झूरी अपने दोनों बैलों को लेकर खेत जोत रहा था कि अचानक उसका एक पुराना बैल सोमा बैठ गया। झूरी ने पहले उसे प्यार से उठाना चाहा, लेकिन फिर बाद में उसे गुस्सा आ गया। उसने ज्यादा विचार नहीं किया और 2-3 बार डंडे से सोमा की पिटाई कर दी। मालिक का गुस्सा और डंडे की मार ने सोमा को उठने के लिए मजबूर कर दिया। झूरी बड़बड़ाए जा रहा था, खाने के लिए झउआ भर भूसा चाहिए और काम के समय नानी मर जाती है। ये सोमा बहुत आलसी हो गया है, नहीं चलेगा तो मार मार कर होलिया बिगाड़ दूंगा है। उसी समय झूरी की पत्नी फुलिया खाना लेकर वहाँ आ गई और झूरी पर बरस पड़ी। पुन्नू के बापू, बेचारे सोमा को काहे इतना पीट डाले, उम्र ज्यादा हो गई है, थक कर बैठ गया तो का हुआ। पिछले 10 साल से लगातार सेवा कर रहा है, देखो बेचारा कितनी बुरी तरह थक गया है। बहुत चर्बी बढ़ गई है इसकी, पिटाई के बाद चल रहा है। बेचारा डर के मारे चल रहा है, 2 घंटा बीत गया है, तनिक रुक जाओ, उसको आराम करने दो, दोबारा उसे मत पीटना, एक भी जुबान पर जुल्म ढाते हुए शर्म नहीं आती। सोमा फिर से बैठ गया, जैसे उसे अपनी मालकिन फुलिया की हमदर्दी का अंदाजा हो गया था। झूरी गुस्साया, लेकिन फुलिया के डर से डंडा नहीं उठा पाया। सोमा ने बड़ी राहत भरी नजरों से फुलिया को देखा और आराम करने लगा। साथ वाला बैल मूंगा चुपचाप खड़ा था, शायद उसे भी सोमा पर दया आ रही थी। वो मन ही मन खुश भी हो रहा था कि सोमा के कारण उसे भी आराम करने का मौका मिला। फुलिया चली गई और झूरी ने डंडा उठा लिया। बैल मूंगा ने झट से सोमा को इशारा किया और सोमा न चाहते हुए भी उठ खड़ा हुआ और जुताई शुरू हो गई। कुछ देर के बाद झूरी दोनों बैलों को लेकर घर आ गया। सोमा से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। हद तो तब हो गई जब थोड़ी देर बाद ही झूरी दोनों बैलों को बैलगाड़ी के पास ले गया। दोनों बैल मेल गाड़ी को लेकर चल पड़े। झूरी का डंडा बीच बीच में सोमा की पीठ पर पड़ ही जाता। बेजुबान सोमा बेचारा लाचार होकर आगे बढ़ता चला जा रहा था। सोमा बूढ़ा हो चुका था, इसलिए उसके शरीर में वो शक्ति नहीं रह गई थी। ये बात झूरी की समझ से परे थी। वो बस अपने स्वार्थ के कारण सोमा से सारा काम करवाना चाहता था। एक दिन सोमा बीमारी के कारण बैठा तो उठ ही नहीं पाया। झूरी उसे अपने काम के लिए लेने आया, तब भी नहीं उठा। झूरी ने डांटा और फिर डंडा चलाया, फिर भी सोमा उठ नहीं पाया। सोमा को मत मारो, उसने ठीक से खाया भी नहीं है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर को बुलाओ। तुम्हें बीमारी हालत में कोई मारे तो कैसा लगेगा? ठीक है, इसे मैं डॉक्टर को दिखाऊंगा। अरे हाँ, इसने भूसा भी नहीं खाया है, शाम को डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। शाम हुई और झूरी सोमा को अपने साथ अकेले लेकर चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद एक दूसरा मोहल्ला आ गया। झूरी ने आवाज दी तो एक बड़ी दाढ़ी वाला शख्स सामने आया। वो एक कसाई था। झूरी ने उससे कुछ गुप्त वार्ता की और कुछ रुपए लेकर सोमा की रस्सी उसके हाथों में दे दी। सोमा को अंदाजा हो गया, लेकिन मजबूर लाचार होकर भी क्या कर सकता था। झूरी जाने लगा तो सोमा ने आवाज दी, जैसे कह रहा हो कि मुझे बचा लो। झूरी चुपचाप चला गया। झूरी घर पहुंचा तब फुलिया ने सवाल दाग दिया, सोमा कहाँ है? डॉक्टर के पास ले गए थे? मैंने उसे भेज दिया है, बूढ़ा हो गया है, हमारे किसी काम का नहीं, बैठा कर कितना दिन खिलाते हम, उसे हटाना ही ठीक था। ऐसे कैसे बेच आए? बूढ़ा हुआ तो क्या हुआ, क्या हम अपने बूढ़े माँ बाप को घर से हटा देते हैं? चलो मैं अपने सोमा को वापस लाऊंगी। तुम एक नंबर के धोखेबाज हो, मेरा सोमा बीमार था, उसका इलाज कराना तो दूर, बेच कर चले आए। चलो मेरे साथ, मैं अपने सोमा को वापस लाऊंगी। झूरी को मजबूर होकर फुलिया को अपने साथ लेकर कसाई के यहाँ जाना ही पड़ा। फुलिया जब कसाई के यहाँ पहुँची तो सोमा जमीन पर लेटा हुआ था। उसकी बीमारी बढ़ गई थी। उसने जब फुलिया को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, जैसे वो उसी का इंतजार कर रहा था। सोमा मैं आ गई हूँ, अब मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगी। सोमा ने एक टक फुलिया को देखा, तब फुलिया उसे सहलाने लगी। मालकिन का प्यार पाकर वो मन ही मन गदगद हुआ। फुलिया ने जैसे ही रस्सी अपने हाथ में ली, सोमा ने आंखें बंद कर ली और खामोश हो गया। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसकी सांस मालकिन के अंतिम दर्शन का ही इंतजार कर रही थी। फुलिया अपने प्यारे सोमा पर सर रखकर रोने लगी। एक गांव में रामू और चीकू नाम के दो भाई रहा करते थे। उन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी।
रामू और चीकू ने संपत्ति के बंटवारे में मिले दो बैल भी आपस में बांट लिए थे। रामू का सौतेला भाई चीकू बेहद खराब स्वभाव का था और वहीं रामू बेहद नरम और अच्छे स्वभाव का था। वो अपने बैल का भी बहुत ख्याल रखता था। रामू अपने बैल को गगन कहकर बुलाता था तो वहीं चीकू अपने बैल को भीमा कहकर संबोधित करता। एक दिन चीकू रामू से बोला, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है रामू, अपने बैल को ठीक तरह से समझा दो। मैं तुम्हारे कहने का मतलब नहीं समझा। तुम अच्छी तरह से जानते हो रामू कि हम दोनों भले ही अलग अलग कमरों में रहते हो, लेकिन हम दोनों के बैल एक ही स्थान पर बांधे जाते हैं। कल तुम्हारे बैल ने मेरे बैल भीमा को एक सिंग मारा है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो भैया, गगन और भीमा एक ही माँ के बच्चे हैं। कल वो दोनों खेल रहे थे, उन्हें क्या मालूम बंटवारा क्या होता है। वो मुझे कुछ नहीं पता, अगर तुमने अपने बैल को नहीं समझाया तो मैं उसकी मार मार कर बुरी हालत कर दूंगा। लेकिन चीकू मेरी बात तो सुनो। मुझे कोई बात नहीं सुननी, और वैसे भी तुम तो अपने बैल से घंटों बातें करते हो, वो तो तुम्हारी भाषा समझता है, अपनी भाषा में उसे समझा देना। इतना कहकर चीकू वहाँ से चला गया। दरअसल रामू अपने बैल गगन की भाषा अच्छी तरह से समझता था। वो और गगन घंटों बातें किया करते थे। रामू गगन की ओर देखकर बोला, गगन तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि भीमा से मत लड़ा करो। मैं तो अपने भाई के साथ खेल रहा था, खेल खेल में मेरा एक सिंग उसको लग गया। अब उसके साथ मत खेलना। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, भीमा मेरा छोटा भाई है, पहले तो हम दोनों साथ साथ ही खेलते थे। तुम नहीं जानते गगन, अब हम दोनों भाइयों में बंटवारा हो चुका है और बंटवारे में भीमा उसके हिस्से में चला गया है। इतना कहकर रामू वहाँ से चला गया। गगन का छोटा भाई भीमा गगन से आकर बोला, हमारे मालिक के आपसी झगड़ों में हमारा क्या दोष, वो हमें क्यों नहीं खेलने देते, मुझे आपके साथ खेलना अच्छा लगता है। हम क्या कर सकते हैं छोटे भाई, इंसान ऐसे ही होते हैं, हमेशा आपस में झगड़ा करते रहते हैं और इनके झगड़ों में हम बेचारे जानवर आपस में पीसते रहते हैं। ऐसे ही कई महीने बीत गए। एक दिन की बात है, चीकू और रामू में संपत्ति को लेकर विवाद बढ़ गया। चीकू बेईमानी पर उतारू था, मगर रामू भी हार मानने को तैयार नहीं था। मेरे पास संपत्ति के पूरे कागज है रामू, सीधी तरह से यहाँ से निकल जाओ। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो चीकू, भला मैं अपनी पत्नी और बच्चे को कहाँ लेकर जाऊंगा। तुम कहीं भी जाओ, मुझे इससे क्या। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं इस मामले को गांव के मुखिया के सामने रखूंगा, वहीं हम दोनों का फैसला करेंगे। मुखिया का नाम सुनकर चीकू बुरी तरह से डर गया और मन ही मन बोला, अगर ये मुखिया के पास चला गया तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, क्या करूं, मैं तो अपने ही जाल में फंस गया। तभी उसके दिमाग में एक योजना आ गई। ठीक है, हम अपना घर का मामला घर में ही सुलझा लेते हैं, क्यों ना हम गगन और भीमा की लड़ाई करवाएं, हम दोनों के बैलों में से जो भी जीतेगा वही संपत्ति का मालिक होगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, भला हमारे झगड़े में उन बेचारे जानवरों को क्यों घसीटते हो। सोच लो, नहीं तो हमारे परिवार का झगड़ा बीच पंचायत में उछाला जाएगा, तब तुम्हें क्या ज्यादा अच्छा लगेगा। चीकू की बात सुनकर रामू चुप हो गया। वो चाहता तो नहीं था, मगर वो अपने परिवार की इज्जत को पंचायत में उछालना नहीं चाहता था। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। गगन बैल और भीमा बैल आमने सामने आ गए। मैं आपके ऊपर हमला कैसे कर सकता हूँ बड़े भाई, मैं नहीं लड़ूंगा। हमें लड़ना ही होगा भीमा, और तुम्हें जीतना होगा। ये कैसी बातें कर रहे हो आप, अगर मैं जीत गया तो मेरे मालिक तुम्हारे मालिक की सारी संपत्ति कब्जा कर लेंगे। नहीं भीमा, तुम्हारे मालिक बेईमानी पर उतारू है, मेरे हारने के बाद भी तुम्हारे मालिक कुछ नहीं कर पाएंगे, और मैं इंसान नहीं हूँ, इसीलिए मैं अपने छोटे भाई को नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हें माँ का वास्ता है भीमा, तुम मेरे ऊपर वार करो। दरअसल गगन बैल जानता था कि चीकू के पास संपत्ति का कोई भी सबूत नहीं है। भीमा और गगन में बुरी तरह से लड़ाई होने लगी, मगर गगन बैल ने भीमा के ऊपर कोई वार नहीं किया, और भीमा मजबूरी में गगन के ऊपर वार कर रहा था, क्योंकि गगन ने भीमा को माँ का वास्ता दे दिया था। गगन घायल होकर गिर पड़ा। गगन को घायल होता देख रामू दौड़ता हुआ गगन के पास आया। ये क्या गगन, तुमने तो अपने भाई के ऊपर हमला किया ही नहीं, तुम तो उससे ज्यादा ताकतवर थे, देखो तुम बुरी तरह से जख्मी हो गए। क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ मालिक, मैं अपने छोटे भाई को नहीं मार सकता। मैं जानता हूँ कि आपका भाई चीकू के पास संपत्ति के कोई कागजात नहीं है,
वो आपसे झूठ बोल रहा है। इतना कहकर गगन बैल ने रामू के सामने दम तोड़ दिया। रामू फूट फूट कर रोने लगा और चीकू की ओर देखकर बोला, तुम ही ये सारी संपत्ति रख लो मेरे भाई। सीखो, इसने एक जानवर होते हुए भी अपने छोटे भाई पर हाथ नहीं उठाया और तुम मुझे घर से बाहर निकालने पर उतारू थे। रामू की बात सुनकर चीकू की आंखों में आंसू आ गए। चीकू उस दिन के बाद सुधर गया, मगर रामू आज भी अपने गगन को याद करके रोता रहता है, क्योंकि गगन ने उसके छोटे भाई को इंसानियत का पाठ पढ़ा दिया था।